हे hey, नमस्कार दोस्तों, यूब्रेक आईपीसी चैनल आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो ये है कैनन का 6D Mark II। तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को बताएंगे इसको आप लोग खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वीडियोग्राफी के लिए जरूर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या ब्लॉग के लिए खरीदना चाहिए, आप लोगों को पूरा वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है कैनन का ये बॉक्स आप लोग देख सकते हो, ये 6D Mark II। तो इसका मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लिया था क्योंकि मैं ये लोकल शॉप से खरीदा था, वहाँ पर ही जाके मैं इसको चेक वगैरह किया था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इसे मैं यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है जिसमें रह जाता है आपका लेंस, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है स्ट्रैप जो कैनन का बहुत ही हेल्पफुल है ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक चैम्बर, उसमें कुछ आप लोगों को यूज़र मैनुअल गाइड का बुक्स मिल जाता है, वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से रख दीजिए इसको। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को बता दूँ मेन बॉडी आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, ये मेन बॉडी। तो मैं सब बॉक्स यहाँ पर हटाता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी आप लोग देख ही सकते हो। सफेद बॉक्स में क्या आया है नहीं है आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है बॉक्स, इसमें आप लोग को चार्जर बैटरी सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं चार्जर का केबल, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मिल जाता है यहाँ पर ये हुड, लेंस हुड। उसके बाद आप लोग को मिल जाता है ये है बैटरी। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज जो आप लोग का चार्जर, ठीक है। देन यहाँ पर सबसे महंगा चीज आप लोग को मिल जाता है फ्रेंड्स, वो है आपका लेंस, ठीक है, बहुत भारी है फ्रेंड्स। आप लोग को बता दूं ब्लॉग के लिए आप लोग ये कैमरा खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन आप लोग को दूसरा लेंस आप लोग को यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे चीज आप लोग को मिल जाता है इसके साथ, ठीक है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, उसके बाद मेन बॉडी में आता हूँ। सो गाइस, ये लेंस आप लोग देख सकते हो, बहुत ही पावरफुल और महंगा लेंस यहाँ पर जो जैसा रहता है बाकी लेंस का कैनन का, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का स्विच, ऑन ऑफ स्टेबलाइजर यहाँ पर रहता है आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, लॉक का बटन मतलब जूम आउट इन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेंस कैप आप लोग को मिल जाता है, देखिए आप लोग यहाँ पर। तो ये मैं कैमरा के साथ सेट करेंगे, देन आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अभी कैमरा का यहाँ पर आप लोग को और भी दे देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टिल्ट स्क्रीन आप लोग को मिल जाता है, रोटेट कर सकते हो आप लोग वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह के लिए, बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर में एक यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आप लोग ISO वगैरह यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, मीटिंग ऑन ऑफ सब सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को माइक का यहाँ पर अलग से यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर HDMI और USB के लिए आप लोगों को पोर्ट मिल जाता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर SD कार्ड के लिए एक्स्ट्रा आप लोगों को शॉर्ट मिल जाता है, यहाँ पर SD कार्ड आप लोग लगा देंगे। सो गाइस, इसके साथ SD कार्ड आप लोगों को फ्री नहीं मिलेगा, आप लोगों को SD कार्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर ट्राइपॉड माउंट के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, उसका यह बैटरी चैम्बर है। तो मैं बैटरी में इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाता हूँ इसका कुछ फोटो वगैरह, उसके बाद रिव्यू देंगे आप लोगों को जो है इसमें क्या क्या मिलता है नहीं मिलता है, सेंसर क्या है नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये है बैटरी का चैम्बर, इसमें बैटरी इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद कैप लगा दिया। देन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर लेंस को मैं अभी लगाएंगे, तो यहाँ पर लाल डॉट जो है लाल डॉट के साथ कैमरा का जो डॉट हुआ है उसमें आप लोग जो है देख के लगाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए। तो लेंस यहाँ पर आप लोग को इस टाइप का लगाना पड़ेगा, लेंस बहुत हेवी है फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं,
तो लेंस लगने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को स्ट्रैप यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से गिरेगा तो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑन ऑफ का स्विच आप लोग को यहाँ पर ही मिल जाता है ट्रबल का यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। और ये सब स्क्रॉल आप लोग करने के लिए आप लोग को ये बटन जो है प्रेस करके आप लोग को इस टाइप का घुमाना पड़ेगा ये ट्रबल को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन करता हूँ फ्रेंड्स, ऑन देखिए फ्रेंड्स ऑन हो गया मेरा कैमरा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंडस्केप को हटाता हूँ, देन यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए स्टार्ट स्टॉप लिखा है इसमें प्रेस कर देंगे देन आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिए शटर स्पीड बहुत फास्ट है फ्रेंड्स, आप लोग खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए वहां से जाके, ठीक है। अब इसका कुछ सैंपल आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस इसमें आप लोगों को जो मिल जाता है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स वो है 26 यहाँ पर जो है मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा मिल जाता है, जो है यहाँ पर आप लोगों को ISO सेटिंग जो 4000 से यहाँ पर 25600 आप लोगों को ISO सेटिंग्स के लिए मिल जाएगा। 45 यहाँ पर ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाता है आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 6.5 पार्ट सेकंड में यहाँ पर फोटो खींचता है। डुअल पिक्सल का मतलब आप लोगों को बता दूं, डुअल पिक्सल का ऑटो फोकस यहाँ पर मिल जाता है, जो आप लोगों को वीडियोग्राफी में आप लोगों को बहुत ही फास्ट यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी में ऑटो फोकस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को वाईफाई NFC GPS सारे के सारे सब कुछ मिल जाता है जो बाकी DSLR में रहता है जो कैनन का, ठीक है। कभी कुछ सैंपल देंगे आप लोगों को जो आप लोग देख के बताएंगे कैसा लगा। सो गाइस अभी जो सुन रहे हो आप लोग इस रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका जो है कैनन का 6D Mark II का, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो दूसरे टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद।